साल 2024 दलाल स्ट्रीट के लिए काफी अच्छा साबित होता नजर आ रहा है, जहां पे निफ्टी अब तक जनवरी से लेकर 20.64% ऊपर है। इसमें कोई संदेह नहीं कि निफ्टी बुल्स शर्माते नजर आ रहे हैं। फेडरल रिजर्व द्वारा रेट कट के बाद अब सबका ध्यान यूएसपीसी इन्फ्लेशन आंकड़ों पर रहेगा, जो आज शुक्रवार को 6 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम अनुसार यूएसए में रिलीज होने जा रहे हैं। अपने दिन की शुरुआत समझदारी से करें। महत्वपूर्ण खबरें और दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स पर विश्लेषण के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। मार्केट ट्रेंड्स, ग्लोबल क्यूज पॉजिटिव। कल के व्यापार में विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 630 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे और घरेलू संस्थागत निवेशकों ने भी 2405 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे। मार्केट ब्रेथ भी पॉजिटिव रहने का अंदाजा है। निफ्टी के टेक्निकल्स हायर लो प्लेस जताते हुए सितंबर महीने के ऑप्शंस डेटा अनुसार निफ्टी की नियर टर्म ट्रेडिंग रेंज 25,500 से 27,000 के बीच हो सकती है। इंडियन वोलेटिलिटी इंडेक्स, जो कि फियर इंडेक्स है, वो 12 लेवल्स पर नीचे व्यापार करता नजर आ रहा है। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 31 अक्टूबर एक्सपायरी के लिए 1.11 पर, बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 30 अक्टूबर एक्सपायरी के लिए 1.03 पर। आज के लिए निफ्टी का आउटलुक, फिर अनचार्टेड टेरिटरी में निफ्टी जा सकता है। निफ्टी 26,300 मार्क के ऊपर बंद होने का प्रयास कर सकता है। अब आज की थीम पर ध्यान देते हैं। इस शुक्रवार की सुबह सेंटिमेंट्स ऊपर बढ़ते नजर आ रहे हैं, क्योंकि पहला चाइना से स्टिमुलस नजर आता हुआ, दूसरा इन्फ्लेशन कम होने की वजह से फेडरल रिजर्व द्वारा 50 बेसिस पॉइंट से रेट कट देखने को मिला और आने वाले कुछ महीनों में रेट कट्स और देखने को मिल सकते हैं, तीसरा पिछले हफ्ते के फेड रिजर्व के 50 बेसिस पॉइंट के रेट कट के बाद अब दुनिया भर के सेंट्रल बैंक से भी रेट कट्स की उम्मीदें बढ़ चुकी है। संक्षेप में कहें तो हमारे यहाँ आरबीआई भी ये ट्रेंड फॉलो करेगा, ऐसी उम्मीद की जा रही है, जहाँ पे सबका ध्यान अक्टूबर की एमपीसी मीटिंग पर रहेगा। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि डोमेस्टिक रिटेल इन्फ्लेशन अगस्त महीने में 3.65 लेवल्स पर नीचे आया और सबसे जरूरी बात यह है कि सेंट्रल बैंक के टॉलरेंस बैंड 2-6% के बीच ही रहा। अब टेक्निकली अगर देखें तो निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 26,216, सबसे बड़ा सपोर्ट अब निफ्टी के लिए 26,107 मार्क पर, इमीडिएट रेजिस्टेंस 27,100 मार्क पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 26,100 से 26,450 के बीच हो सकती है, बायस पॉजिटिव। बैंक निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 54,375, बैंक निफ्टी के लिए सबसे बड़ा सपोर्ट 54,000 मार्क पर, बैंक निफ्टी के लिए सबसे बड़ा रेजिस्टेंस 55,500 मार्क पर। बैंक निफ्टी की आज की ट्रेडिंग रेंज 54,100 से 55,100 के बीच हो सकती है, बायस पॉजिटिव। एक शानदार हफ्ते का अंत निफ्टी ऊपर ही करने का प्रयास कर सकता है, ऐसा हमें लग रहा है। पॉजिटिव कैटलिस्ट ये है कि वॉल स्ट्रीट पर रातों रात अच्छी तेजी नजर आई, जहां पे डाउ जोन्स ने फिर एक नया रिकॉर्ड हाई कायम किया और नैसडैक 100 भी 1.3% ऊपर बढ़ा, जिसका कारण था कि स्ट्रॉन्ग क्वार्टरली गाइडेंस देखने को मिला माइक्रॉन टेक्नोलॉजी से। बजिंग स्टॉक्स में ऑटो स्टॉक आउट परफॉर्मेंस रहे, जहां पे निफ्टी ऑटो इंडेक्स रिकॉर्ड हाई पे देखने को मिला 27,526 मार्क पर, जहां पे रिपोर्ट्स अनुसार सेबी ने ह्यूंडई मोटर के 25,000 करोड़ के इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग को अप्रूव कर दिया है। दूसरा, हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर कृष्णा डायग्नोस्टिक्स ने सुर्खियां बटोरी, क्योंकि अनाउंसमेंट अनुसार वे अपुल की हेल्थ केयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जो कि पहली पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है जो कैंसर और कार्डियक केयर हॉस्पिटल्स के लिए समर्पित है। अब डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। निफ्टी अक्टूबर फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 26,285, प्रीमियम प्लस 69। पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो निफ्टी 31 अक्टूबर एक्सपायरी के लिए 1.11 पर, बैंक निफ्टी 30 अक्टूबर एक्सपायरी के लिए 1.03 पर। मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 26,000 और उसके बाद 27,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट 54,000 स्ट्राइक प्राइस पर। मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 26,000 और उसके बाद 25,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट 54,000 स्ट्राइक प्राइस पर। फ्यूचर्स वन डे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट चेंज पर ध्यान देते हैं। लॉन्ग बिल्डअप में मारुति, मदरसन, ट्रेंट, बजाज फिनसर्व, गेल। शॉर्ट कवरिंग में नेशनल एल्यूमिनियम, अपोलो टायर्स, एनएमडीसी, ग्रासिम, एमएनएम। शॉर्ट बिल्डअप में जुबिलेंट फूड्स, इपका लैब, भारत फोर्ज, सीमेंस, लुपिन। लॉन्ग अनवाइंडिंग में क्रॉम्पटन, वोल्टास, ग्रैन्यूल्स, हैवेल्स, आरती इंडस्ट्रीज। आज कोई भी स्टॉक एफएनओ बैन में नहीं है। इन्वेस्टमेंट्स इन सिक्योरिटी मार्केट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। This content is purely for information and educational purpose only and in no way to be considered as an advice or recommendation.